नमस्कार दोस्तों, रॉय इंसाइक्लोपीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं टेक न्यूज सीरीज की थर्ड वीडियो यानी कि टेक टॉक 3। तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रॉय इंसाइक्लोपीडिया को और इस बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, पहली टेक न्यूज आ रही है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला ने अभी तक जेड सीरीज, ई सीरीज और सी सीरीज के बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है मोटोरोला के एक्स सीरीज का। मोटोरोला ने अपने एक्स सीरीज का स्मार्टफोन 2 साल पहले लॉन्च किया था, लेकिन अब मोटोरोला एक्स सीरीज का एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है मोटो X4। दोस्तों, ये बात पता चली है मोटोरोला के इस फेसबुक पोस्ट से, जिसमें मोटोरोला ने कहा है कि वो शाम 6 बजे 2 सितंबर को कोई प्रोग्राम रखा है और हो सकता है इसमें वो मोटो X4 लॉन्च कर दें। और दोस्तों, अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस 22,000 से लेकर 26,000 के बीच तक हो सकती है। और दोस्तों, बात करें अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो न्यूज ये आ रही है कि इसमें 5.2 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले हो सकती है, जिसकी रिजोल्यूशन 1080x1920 पिक्सल होगी। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा और ये रन करेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर पे। इस फोन के अंदर आपको 2 रियर कैमरे मिलेंगे, दोनों ही 12 मेगापिक्सल के होंगे, और एक फ्रंट कैमरा मिलेगा जो कि 16 मेगापिक्सल का होगा और हो सकता है ये फ्लैश के साथ आए। और बात करें अगर बैटरी की, तो इसमें आपको 3000mAh की बैटरी मिलेगी। इस फोन का वेट 163 ग्राम होगा और इसकी थिकनेस 7.9mm की होगी। दोस्तों, अगली न्यूज है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग अपना सैमसंग गैलेक्सी J7+ थाईलैंड में लॉन्च करने वाला है। इस डिवाइस में आपको मिलेगी 5.5 इंच की फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले, जिसकी रिजोल्यूशन 1080x1920 पिक्सल्स की होगी। और इसमें आपको मिलेगा 4GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज, जिससे आप 256GB तक माइक्रो SD कार्ड से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन 7.1 मींस नुगा मिलेगा। अगर कैमरे की बात करें, तो इस पिक्चर को देखकर पता चलता है कि इसमें 2 रियर कैमरे मिल रहे हैं। एक 13 मेगापिक्सल का होगा जिसका अपर्चर F1.7 होगा, और एक 5 मेगापिक्सल का होगा जिसका अपर्चर F1.9 होगा। दोस्तों, इसमें आपको एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा जिसका अपर्चर F1.9 होगा। दोस्तों, अगली न्यूज आ रही है वोडाफोन की तरफ से। वोडाफोन अपने प्रीपेड कस्टमर को कुछ खास ऑफर्स दे रहे हैं। वोडाफोन ने उत्तर प्रदेश में एक ऑफर लॉन्च किया है, जिसके अंदर जितने भी अनलिमिटेड सुपर प्लान्स है उस पे कस्टमर्स को 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा और 110 पे 110 का फुल टॉक टाइम। दोस्तों, अगली न्यूज आ रही है जियो फोन के लिए। 24 अगस्त को शाम 5 बजे जियो फोन की बुकिंग शुरू हो गई थी और एक बार उसका वेबसाइट भी क्रैश हो गया था, लेकिन मिलियंस ऑफ लोगों, मतलब कि लाखों लोगों ने उस फोन को बुक किया है और अभी बुकिंग सस्पेंड हो चुकी है, यानी कि अभी बुकिंग बंद हो चुकी है। और अभी ये न्यूज़ भी नहीं आ रही है कि ये बुकिंग वापस कब से स्टार्ट होगी। जियो वाले बोल रहे हैं कि वो उनके साथ अपडेट रहने के लिए जैसे ही बुकिंग स्टार्ट होगी वो इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन जैसा जियो ने कहा था कि वो 50 लाख हैंडसेट हर वीक बनाएगा, तो इसके मुताबिक अगले थर्सडे यानी कि 31 अगस्त को इसकी बुकिंग 5 बजे वापस से शुरू हो सकती है। तो अगर आपको लेना है तो आप इसके लिए तैयार रहिए। दोस्तों, अगली न्यूज़ आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने Redmi 4A का 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज वाला वेरियंट लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस 6,999 रुपीज यानी कि 6,999 है। तो अगर आपको चाहिए तो आप जाके ले सकते हैं। दोस्तों, अगली न्यूज आ रही है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला ने आज यानी कि 29 अगस्त को अपना G5S और G5S Plus स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है, तो मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ अपडेट रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।